हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है सी लैंग्वेज की। सी लैंग्वेज में आज हम बात करेंगे व्हाइल लूप के बारे में। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं एक व्हाइल लूप मैंने लगाया है और यहां i इज लेस देन इक्वल टू 5 किया है। लेस देन इक्वल टू यानी 5 तक चलेगा ये लूप, और i में इनिशियलाइज कर दिया है 1। ठीक है, अगर मैं यहां से कंपाइल रन करवाता हूं, ये देखिए ये कंपाइल हो गया, ये फिर रन हो गया, तो यहां पे 1 से लेके 5 तक की वैल्यू प्रिंट हो रही है। क्या होगा अगर इसमें हम कुछ तब्दीली करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं, चलिए यहां पर चेक करते हैं। अगर मैं यहां पे कर देता हूं 20, ध्यान दीजिएगा यहां पे क्या किया मैंने, 20 किया, और यहां से मैं कर देता हूं i की वैल्यू 5, यानी इनिशियलाइजेशन इसमें 5 से कर दिया मैंने, कंट्रोल एस किया, और अब इसको यहां से करवा लेते हैं रन। पहले ये एक बार कंपाइल करवाएंगे क्योंकि प्रोग्राम में चेंजेस हुए हैं, कंपाइल भी आप यहां से रन करवाते हैं, तो ये रन जैसे ही करवाएंगे तो ये 20 तक प्रिंट होगा, क्योंकि यहां लेस देन इक्वल टू दिया गया। अगर मैं ये इक्वल टू हटा देता हूं तो ऐसे कंडीशन में ये 19 तक प्रिंट करेगा। तो एक बार पुराने आउटपुट पहले कर देता हूं, फिर उसमें इसको कंपाइल करके फिर रन करता हूं। तो ये कंपाइल हुआ, फिर ये रन करवाया मैंने, ये देख सकते हैं अब ये 19 तक ही प्रिंट कर रहा है, लेकिन इनिशियलाइजेशन 5 से स्टार्ट हुआ था, ये 5 से शुरू होकर 19 तक प्रिंट कर रहा है। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।